I gotta tell you, it was trash. Trash. Everything, down to the last minute details. स्वाभाविक है कि तुम में से कुछ लोग मेरी बात से सहमत नहीं होंगे और तुम अपने फेवरेट एक्टर को डिफेंड करने के लिए मुझे गाली देना चाहोगे। पर एक बार मैं तुम्हें थम के सोचने को कहूंगा कि ऐसा क्यों हुआ कि तुम अपने फेवरेट एक्टर को तो डिफेंड करना चाहते हो, उसको डिफेंड करने की तो तुम्हारी पूरी इच्छा है, उसके साथ तुम कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते, पर अपनी सनातन सभ्यता के साथ तुम तुरंत कॉम्प्रोमाइज करने के लिए तैयार हो जाते हो। इतने समर्पण भाव से तुम अपनी सनातन धर्म को डिफेंड क्यों नहीं करते जितने समर्पण भाव से तुम अपने फेवरेट एक्टर को डिफेंड करते हो। तो केरला स्टोरी देखने के बाद भी तुमने कुछ नहीं सीखा, तुम नहीं जागे। आज भी एक फिल्म की पीआर टीम तुम्हें मूर्ख बना देती है। आदि पुरुष को लेके मेरी वो सारी समस्याएं नहीं है जो अधिकतम लोगों की है। अधिकतम लोगों को यहाँ पे केवल VFX से लेने देना है, बल्कि मैं VFX नहीं ढूंढ रहा इस पूरी फिल्म में, मैं वाल्मीकि रामायण ढूंढ रहा हूँ। कहीं तो मुझे फैक्चुअल एक्यूरेसीज मिल जाए, पर नहीं मिलती। इस फिल्म के टीजर की करोड़ों लोगों ने आलोचना की, पर उस आलोचना के बाद भी कुछ नहीं बदला। हनुमान अब भी टीवी न्यूज डिबेट में आने वाला मौलाना दिखाई देता है। और यदि तुम्हें लगता है कि मैं गलत हूँ तो मुझे बताओ कि जैसे दूसरी फिल्मों के तुम वॉलपेपर्स को अपने बैकग्राउंड में लगा सकते हो, अपनी DP में लगा सकते हो, क्या तुम इस हनुमान को अपनी DP पे लगा सकते हो, अपने कंप्यूटर के वॉलपेपर पे लगा सकते हो, जहाँ पे दिन रात तुम्हें इसको देखना पड़े ये मानते हुए कि ये हनुमान है। अपनी शक्ति पहचानो बजरंग। अब भी वाल्मीकि रामायण का उपहास करने के लिए राम सेतु को इस प्रकार दिखाया गया है कि पानी में राम नाम के पत्थर फेंके गए और पुल बन गया। जो कि छोटा बच्चा था तो मैं भी यही सोचता था, बाद में मैंने वाल्मीकि रामायण में देखा कि ऐसा कुछ नहीं है। वाल्मीकि रामायण डिटेल में बताती है कि इसमें कौन सी चीजें लगी, किस प्रकार के वृक्ष लगे, कितने पत्थर लगे, तब जाके पूरी टेक्निक इंजीनियरिंग के साथ इस सेतु को बांधा गया। It is often shown as some sort of floating rocks were thrown onto the sea to build Rama Setu, but in reality that's not how it is described. They meticulously uprooted a lot of trees and rocks and constructed in a very logical manner with a layered foundation of trees and rocks and trees and rocks. So that's how they kind of stacked up each of the layer and started construction right from the ocean bed. All the different varieties of trees used in this construction were also described, like sala, ashwakarna, bamboo. और आज भी हजारों वर्षों बाद सैटेलाइट से जब देखा जाता है तो ये पुल आज भी पानी के नीचे दसा हुआ दिखता है। पर इस फिल्म में वही झूठी कहानी दिखा दी, वही फैक्चुअल इनएक्यूरेसी दिखा दी, मेहनत नहीं की, रिसर्च नहीं की, बस दिखा दिया कि पानी में पत्थर फेंका, पत्थर तैरने लगा और पुल बन गया। और अधिकतम हिंदू भी इसे देख के खुश हो जाएंगे कि पानी में राम नाम का पत्थर फेंका वो तैरने लगा, जय राम जी की। वाल्मीकि रामायण वो क्या होता है, वो हमें क्यों पढ़नी, उसमें इस बात के बिल्कुल विपरीत दिखाया गया, उससे हमें क्या लेना देना। वाल्मीकि रामायण को हम क्यों मानेंगे, हम तो ओम रावत जी को मानेंगे, हम तो टी सीरीज को मानेंगे। रावण की सोने की लंका हुआ करती थी, पर इस फिल्म में अब भी वो एक वक्फ बोर्ड की प्रॉपर्टी दिखाई देती है। जैसा मैंने कहा था कि टीजर के बाद कुछ नहीं बदला, रावण के अब भी तुम्हें 10 सर दिखाई देंगे मेन फिल्म में, इसलिए इस ट्रेलर के भीतर रावण की शक्ल दिखाई नहीं गई, ताकि तुम शिकायत ना कर सको रावण की शक्ल से कि वो मुगलों जैसी क्यों दिखती है, क्योंकि यदि तुम्हें शक्ल ही नहीं दिखेगी तो शिकायत किस बात की करोगे। सीधा फिल्म के भीतर तुम्हें प्रोपेगेंडा परोसा जाएगा कि रावण तो मुगलों जैसा दिखता था। दशानन रावण, जिसका दशो दिशाओं में प्रभाव था, जिसके मुख की आज्ञा को दशो दिशाओं में पालन किया जाता था, इसलिए उसे दशानन कहा जाता था। इसलिए नहीं कहा जाता था क्योंकि उसके 10 सर थे, वो तो एक झूठी बात है जो हम मानते आए हैं। पर मुझे विश्वास है कि इस फिल्म में भी वही चीज दिखाई जाएगी कि रावण के 10 सर थे। अयोध्या नगरी और राजभवन तुम्हें खाली लाइब्रेरी हॉल के जैसे दिखाई देती हैं, जिसमें कुछ भी डिटेल्स नहीं है, कोई एक वस्तु भी नहीं है। इतना ध्यान रखा गया है कि तुम डिटेलिंग के बारे में शिकायत कर ही ना सको, क्योंकि डिटेलिंग है ही नहीं। प्रभास एक अच्छा एक्टर है, लेकिन इस फिल्म में राम अब भी राम नहीं दिखता। ये राम मुझे MX प्लेयर की राम कथा वाले राम की याद दिलाता है, जो हर समय क्रोधित है, गुस्से में रहता है। इस कैरेक्टर के चेहरे पे वो तेज कहाँ पे है, वो एक छोटी सी हंसी कहाँ पे है, जो उसे अपने आसपास वाले कैरेक्टर से बिल्कुल भिन्न बनाती है, अनोखा बनाती है, विशेष बनाती है। जो चीज तुम्हें टीवी सीरियल में आने वाली रामायण में दिखती थी, उस राम में दिखती थी। वो जहाँ भी खड़ा होता, जिस भी फ्रेम में कितने भी लोग होते, वो भिन्न दिखाई देता एक अनोखे व्यक्तित्व के रूप में। पर यहाँ पे वो सब कुछ दिखाई नहीं देता, यहाँ पे वो बस गुस्से में है। VFX और सिनेमेटोग्राफी वाइज इस फिल्म में बिल्कुल उदासीन उजड़े उजड़े रंग दिखाई देते हैं। और ये सोच के मैं कोई अधिक की आशा नहीं कर रहा कि तुम 500-600 करोड़ लगा के अपनी फिल्म में सैचुरेशन तो बढ़ा सकते होंगे, पर इस फिल्म का ट्रेलर देख ऐसा लगता है कि यदि सैचुरेशन बढ़ा दी गई तो सारे VFX नीचे गिर जाएंगे, जिनको फेविकोल के साथ चिपका रखा है। इसीलिए इस फिल्म के ट्रेलर के कई शॉट्स में तुम्हें स्पष्ट दिखाई देता है कि ये तो ग्रीन स्क्रीन के आगे सब कुछ रिकॉर्ड किया गया है, जिसमें थोड़ी सी भी ऊंच नीच कर दी गई तो ये ढांचा भी नीचे गिर जाएगा। पर टीजर की तुलना में अब कम से कम ये एक एवरेज प्रेजेंटेबल फिल्म बन चुकी है, जो प्रेजेंटेबल पहले बिल्कुल नहीं थी। और यदि ये फिल्म रामायण पे आधारित ना होती, फैक्चुअली इनकरेक्ट ना होती और मुझे MX प्लेयर की रामकथा की याद ना दिलाती होती, तो मैं इस फिल्म का पूर्ण समर्थन करता। यहाँ इस ट्रेलर को देखते हुए अपने दिल पे हाथ रखे, एक हिंदू होने के नाते, जिसे थोड़ा बहुत अपनी संस्कृति की
जानकारी है, मैं सच सच कहूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि ये फिल्म एक स्मारक स्थापित कर देगी कि भविष्य में हिंदू संस्कृति से संबंधित जितनी भी फिल्में आया करेंगी, हमारे इतिहास से संबंधित जितनी भी फिल्में आया करेंगी, उनमें इतिहास नहीं दिखाया जाएगा, बल्कि इसी फिल्म के जैसा अधिक से अधिक जादू दिखाने पे फोकस होगा। और यहीं पे मुझे लगता है कि हिंदुओं में स्वाभिमान नहीं है, और इसी चीज को मैं एक सक्सेसफुल मॉडल के रूप में नहीं देखना चाहता, जहाँ पे टी सीरीज जैसी बड़ी कंपनियां हो जो हिंदुओं से घृणा करती हो, एंटी हिंदू प्रोडक्ट बनाती होने को, लेकिन बीच बीच में आदिपुरुष जैसी फिल्में बना दे जिसमें कार्टून नेटवर्क दिखा रहे हो, उड़ती हुई चीजें दिखा रहे हो, अधिक से अधिक जादू दिखा रहे हो, हिंदू इतिहास से हिंदू ग्रंथों से कोई लेना देना ना हो, लेकिन खूब मनोरंजन के लिए बनाई गई हो ताकि तुमसे अधिक से अधिक पैसे लूटे जा सके। मैं नहीं चाहता कि ये एक बिजनेस मॉडल बन जाए जहाँ पे हिंदुओं को केवल लूटा जाए, उनका इतिहास भी ढंग से ना दिखाया जाए। और यही मेरा मेन पॉइंट है कि जब इस प्रकार के ट्रेलर आते हैं, मैं कमेंट सेक्शन में जाता हूँ, लोगों की प्रतिक्रिया देखता हूँ, तब मुझे समझ में आता है कि हिंदू मानसिक रूप से हारे हुए लोग हैं, भीख मांगने वाले लोग हैं। भिखारी की यह मानसिकता होती है कि भीख में जो कुछ भी मिल जाए उसी में काम चला लो, और इसीलिए हिंदू जो कुछ भी मिल जाए उसी में काम चला लेते हैं। कानूनी सेंस में तुम्हें कोई इक्वालिटी नहीं है, और यहाँ तक कि सॉफ्ट पावर में भी, फिल्मों में भी तुम्हारा इतना अधिकार नहीं है, तुम अपने आप को इतना सेल्फ डिजर्विंग मानते ही नहीं कि तुम कम से कम अपना ये अधिकार भी मांग सको कि जब हमारी हिंदू संस्कृति पे कोई फिल्म बनाई जाए तो वो फैक्चुअली करेक्ट हो। तुम अपने आप को इतना नीचा मानते हो क्योंकि तुम में स्वाभिमान की कमी है, और इसी स्वाभिमान और सेल्फ वर्थ की कमी के कारण उन्हें ये फिल्म का ट्रेलर अच्छा दिखाई देता है, ये हनुमान अच्छा दिखाई देता है। इसमें क्या अच्छा है, जहाँ पे वन में रहने वाले नरों को यानी कि वानरों को वो केवल बंदरों तक सीमित कर देते हैं, मुझे वो उपहास के रूप में दिखता है। पर तुम में से कई लोगों को अपनी सभ्यता को कार्टून नेटवर्क तक सीमित रखना अच्छा लगता है क्योंकि तुम्हें अपनी सभ्यता की कोई जानकारी नहीं है, और इसीलिए जितना भी तुम्हें मिल जाए उतने में तुम खुश हो एक भिखारी के जैसे। पर मेरे मित्र, ये भी तो समझो कि जिस प्रोडक्ट को तुम सपोर्ट कर रहे हो, जिसको तुम पैसे देने वाले हो, जिस फिल्म की तुम टिकट खरीदने वाले हो, उसका पैसा जाएगा कहाँ पे? इसी पैसे का प्रयोग करते हुए अनेकों फिल्में बनाई जाएंगी जो हमारे ही विरुद्ध जिहाद होंगी। और इसी फिल्म के भीतर टी सीरीज ने किन एक्टर्स को हायर किया है ये भी तो देखो। सैफ अली खान स्पष्ट कहता है कि 1947 से पहले कोई भारत नहीं था, अंग्रेजों से पहले कोई भारत नहीं था, तो तुम्हें सच में लगता है कि 7,500 वर्ष पहले वाली हमारी हिंदू सभ्यता को वो स्वाभिमान से दिखा पाएगा? मुझे नहीं लगता। इसलिए तुम्हें दिख रहा है कि सैफ अली खान एक मुगल के जैसा दिखाई देता है क्योंकि वही वो चीज दिखाना चाहता था, यही उसकी इन्फ्लुएंस है इस फिल्म पे। यहां तक कि इस फिल्म में ये भी बताया गया कि सीता के अपहरण को रावण के द्वारा जस्टिफाई किया जाएगा कि वो कितना सही था। उस चीज को सही दिखाने के लिए अलग अलग बहाने बनाए जाएंगे ताकि रावण को अच्छा दिखाया जा सके, और तुम हंसी खुशी स्वीकार कर लोगे क्योंकि तुम्हारा फेवरेट एक्टर ये तुम्हें प्रोपेगेंडा बेच रहा है। और इस फिल्म के कुछ एक्टर तो हिंदू धर्म का इतना सम्मान करते हैं कि जैसे ही होली दिवाली आ जाए तुम्हारी आलोचना करना शुरू कर देते हैं कि तुम अपनी होली दिवाली का उत्सव बनाते ही क्यों हो, तुम कितनी चीजों को नुकसान कर रहे हो। पर जैसे ही किसी और रिलीजन का कोई उत्सव आए तो वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं करते, वहाँ पे बिल्कुल हाथ जोड़ के अच्छे से विश करते हैं उनके उत्सव के लिए। वहाँ पे कोई ज्ञान नहीं, केवल हिंदुओं के लिए ज्ञान है, और उन्हीं को एक्टर के रूप में यहाँ पे प्रस्तुत किया जाता है ताकि तुम्हारी जेब में से निकला पैसा इन्हीं की जेब में जाए, तुम स्वयं एक हिंदुओं से घृणा करने वाले इकोसिस्टम को शक्तिशाली कर सको। पर इतनी सारी जानकारी देने के बाद भी मुझे ऐसा लगता है कि मेरी बहुत सारी बातें तुम्हारे सर के ऊपर से जाने वाली है, विशेषकर उन लोगों के सर के ऊपर से जो कभी मंदिर में जाके शिवलिंग के ऊपर दूध नहीं चढ़ाएंगे पर बड़ी बड़े एक्टरों के पोस्टर लगा लेंगे, उन पे दूध चढ़ाएंगे, फिर उन्हीं पोस्ट को इंटरनेट पे शेयर करेंगे। और ऐसा करके ये लोग केवल अपनी संस्कृति को छोटा कर रहे होते हैं, लेकिन तुम मुझे बताओ कैसे मैं इन लोगों को मनाऊं, क्योंकि इन लोगों के लिए तो प्रभु राम भगवान नहीं है। मंदिर जाना इन्हें उचित नहीं लगता, दूध चढ़ाना वहां पे उचित नहीं लगता, लेकिन यही लोग इनके लिए भगवान है, यही एक्टर। तो मेरा मानना है इस प्रकार के लोगों को विचार नहीं बदले जा सकते, लेकिन यदि मैं सक्षम हूं तुम्हारे थोड़े से विचार बदलने में, यदि तुम्हें ये परिप्रेक्ष्य दिखाने में, तो मेरी विनती है कि इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो, इसके अलावा इस चैनल को सब्सक्राइब करो यदि तुम पहली बार आए हो। और शीघ्र मैं तुम्हें मिलूंगा अगली वीडियो में। धन्यवाद।